हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिज़ रेसिपीज़। आज हम आपके लिए लाए हैं तिरंगी पूड़ियाँ। होली के मौके पर आप इसे बनाएं, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तिरंगी पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप आटा लिया है और इसमें 1/4 चम्मच करीब नमक डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा सान लेंगे। इस आटे को बहुत टाइट भी नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना है। हमें मीडियम आटा इससे सान कर तैयार करना है। आटा हमारा सन चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इस आटे पर जो हमने साना था उसमें अच्छी तरह से लगा देते हैं। इसे एक बोल में करके उसको कवर करके रख देते हैं जिससे आटा फूल जाएगा। अब 1 कप आटा हम और लेते हैं और इसमें भी 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। यहाँ हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इस कलर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस आटे में डाल देते हैं। और इसका भी डो तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए। अभी डो भी हमारा अच्छे से सन चुका है, यहाँ हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और इस आटे में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी अलग रख देते हैं, इसे कवर कर देंगे। हम 1 कप आटा और लेते हैं और इसमें 1/4 चम्मच नमक डालते हैं। हाँ, हमने रेड कलर लिया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका ये पतला सा पेस्ट बना लेते हैं और इस आटे में डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। अब ये आटा भी सन चुका है, अब इसमें भी थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं। पूरे डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट हम कवर करके रख देते हैं। तो उसके बाद इससे पूड़ियाँ बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे चकले पर अच्छे से फैला लेंगे। अब हम पहले प्लेट वाला डो उठाते हैं और इसे थोड़ा सा लंबा करते जाएंगे। अब इसके बाद हम येलो वाला लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल इस पर भी डाल लेते हैं और इसे भी हमें लंबा करना है। उसके बाद रेड वाला लेते हैं और इसे भी हमें थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और ऊपर से इसे हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जैसे हम अपने बालों की चोटियां बनाते हैं वैसे ही इसको भी हमें फोल्ड करना है। तो पहले हम वाइट पार्ट को उठाएंगे, उसके बाद रेड पार्ट को इसके ऊपर कर देते हैं, इसके बाद येलो पार्ट को। ऐसे ही हमें इनकी चोटियां बना लेनी है।
हम इसको थोड़ा सा लंबा भी करते जाएंगे। बस ऐसे ही हमें पूरा आटा फिनिश करना है चोटियाँ बनाकर। हमने पूरे आटे की चोटियाँ बना ली हैं, अब इसे हम कट करते हैं। अब एक हम लोई उठाएंगे और उसको इस तरह से हम प्रेस करते हैं। अब इसके बाद इसे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है, थोड़ा प्रेस करते हुए। फिर इसको हम ऐसे ही फिंगर से प्रेस कर देते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं और इसको बेल लेंगे साइड से। हमें बीच में नहीं बेलना है, केवल साइड साइड में ही बेलना है। देखिए ट्राई कलर दिख रहे हैं हमारे अच्छी तरह से। अब ऐसे ही हम दूसरी लोई उठाएंगे और उसको भी हथेलियों पर थोड़ा सा प्रेस करते हैं। अब इस पर हम सूखा आटा लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसे राउंड शेप देंगे थोड़ा प्रेस करते हुए। और इसकी भी पूड़ियाँ हम बेल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारी पूड़ियाँ बना लेनी है। इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने को रख दिया है। थोड़ी सी आटे की लोई डालकर देखते हैं तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं। अब बबल्स होने लगे, इसका मतलब तेल गरम हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है। उसके बाद पूड़ियों को उठाएंगे एक एक करके, थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे। देते हैं फिर फ्राई करते रहेंगे जब तक थोड़ा सा कलर इसका चेंज ना हो जाए। देखिए सा कलर कितना अट्रैक्टिव और टेस्टी सा ये दिख रहा है। उसके बाद हम दूसरी पूड़ी डालते हैं और इसे भी फ्राई कर लेंगे। आप इसमें ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने प्लेन यानी कि वाइट रखा है तो आप ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेनी है। अभी पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इसके तीनों कलर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।